कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सब मिलके रहना है तो बोलो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव है, झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव है, यहाँ पूरा विधानसभा चुनाव है, आम चुनाव है, सरकारें वहाँ की बननी है, नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और या फिर वहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दलों की यानी कि इंडिया और एनडीए में जो टक्कर है, एनडीए आएगा या इंडिया आएगा ये देखना होगा 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव, मध्य प्रदेश में भी है चुनाव, पंजाब में भी है चुनाव, केरल में भी है चुनाव, कई राज्यों में है, कुछ लोकसभा सीटों पर चुनाव है और कुछ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा की सीट पर भी चुनाव है, लेकिन जो खास नज़र है दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर वो महाराष्ट्र को लेकर के है, वो झारखंड को लेकर के है और वो नज़र उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनाव पर भी है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के अंदर भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डेंट लगा भारतीय जनता पार्टी को। और अगर झारखंड की बात करते हैं तो फिर झारखंड के अंदर बीजेपी को डेंट तो कोई बड़ा नहीं लगा, लेकिन ये ज़रूर है कि झारखंड की राजनीति हमेशा करवट लिया करती है, तो वहाँ का चुनाव भी कुछ बदला हुआ सा है। दोस्तों जब चुनाव आया करता है तो चुनाव के अंदर नए नए मुद्दे होते हैं, नारे होते हैं, वायदे होते हैं, मतदाताओं को घोषणाएं की जाती हैं, मतदाताओं को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि हमें लाएंगे तो ये होगा, हमें लाएंगे तो वो होगा। और इसके साथ साथ जो चुनाव का जो फलसफा बना है आजकल, आप चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, आप तमाम सुनते होंगे चुनाव के अंदर कहा जाता है कि जो भारत के लोकतंत्र की सुंदरता है, कहा जाता है कि इसके अंदर चुनाव में जाति धर्म मजहब क्षेत्रवाद भाई बिरादरीवाद भतीजावाद इस सब से उठकर चुनाव हुआ करता है। लेकिन अगर आप यथार्थ में जा कर के देखें तो चुनाव क्षेत्रवाद पर होता है, चुनाव जातिवाद पर होता है, चुनाव धर्मवाद पर होता है, चुनाव भाई भतीजावाद पर होता है, चुनाव अपने हिसाब से मुद्दे गढ़ने के हिसाब से होता है, चुनाव नारे गढ़ने के हिसाब से होता है। आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि अभी इससे पहले जो चुनाव चल रहा है जिसके लिए परिणाम आना है 23 नवंबर को, इससे ठीक पहले चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर, 8 अक्टूबर को उसका चुनाव परिणाम आया था और हरियाणा के अंदर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक की, अपनी सरकार बनाई। उससे पहले जब चलते हैं तो जब हरियाणा में चुनाव प्रचार हो रहा था तो हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और गोहाना के अंदर एक सभा थी, उस सभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कटेंगे तो बटेंगे। बस वहीं से ये नारा पूरे जोर शोर से है और पूरे शबाब पर है। आप चले जाएं आज महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र में ये नारा पूरे शबाब पर है। आप ये कहें तो अगर आपको तमाम पोस्टर होर्डिंग बैनर्स राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार नेताओं के भाषण उसमें दिख जाएगा, योगी आदित्यनाथ की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उसको नारे को पूरी तरह से हवा दी, उसको आगे बढ़ाया। आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं चुनाव प्रचार करने महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन इसके मुकाबले अगर विपक्षी दलों के लोग हैं तो विपक्षी दलों के लोगों की अपनी बात है। आप योगी आदित्यनाथ का ये बात सुन लीजिए जो उन्होंने कहा था, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण सुन लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कोई भी नहीं चाहता है
कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इनके जवाब में जो जवाब दिया, चाहे वो अखिलेश यादव ने दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने कहा कि यूपी का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, अखिलेश के अंदर कह रहे हैं ना कटेंगे ना बटेंगे, और जो उनका पीडीए है पीडीए के अंदर एक रहेंगे। अगर महाराष्ट्र में चलें तो महाराष्ट्र के अंदर जो नेता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अपना भाषण दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि जो पहले तो ये बता दें कि योगी साहब की बात माननी है या मोदी साहब की बात माननी है। जो योगी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, तो बात बोली उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इससे एक कदम आगे बढ़ के जो वो हमेशा कहते रहे हैं, जिस बात को हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं, खासकर जब जब बात आती है तो मनुस्मृति को आगे लाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को हटा दें तो फिर एक हो जाएंगे। मोदी जी बोलते हैं हम एक हैं तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि आखिर ये बातें शुरू कहाँ होती हैं। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग इस पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आप देख ले वो वाक्या, पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की तरफ से कांग्रेस और जो कांग्रेस नीत जो गठबंधन है, INDIA जो गठबंधन है, उसके तमाम नेताओं ने जातिगत जनगणना की बात चलाई, उसके तमाम नेताओं ने संविधान की दुहाई दे करके SC और दलित वर्ग के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश भी की, और ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर उसके बाद में BJP की सरकार बनने पर संविधान को ही हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने तो इन सबसे हट करके यहाँ तक कहा कि मीडिया के अंदर जो लोग हैं उनमें से BC कितने लोग हैं, SC कितने लोग हैं, OBC कितने लोग हैं, ST कितने लोग हैं। जबकि मीडिया के अगर नौकरी में आप जाते हैं तो नौकरी, मीडिया की नौकरी तो खासकर क्योंकि प्राइवेट संस्थानों में और योग्यता के आधार पर मिलती है, जो लोग वहाँ पर उस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहेगा उसको मिलेगी। इससे आगे बढ़े तो फिर राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्टाफ में जो लोग हैं उनके अंदर गिना जाए। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर इसको कहा जाता है कि आपसी क्षेत्रवाद में, जातिवाद में अगर समाज बटेगा तो इसके अंदर अगर आप इस नारे की अगर पूरी विवेचना कर लें तो फिर आप जा सकते हैं कि जब जब भी समाज के अंदर बिखराव होता है तो फिर आतताई शक्तियां उन पर हावी होती हैं। अगर आप इसको कहीं जाति और धर्म से इत्र लेकर के बात करेंगे तो फिर इसका सीधा सीधा असर आएगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ कह रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हों। अगर वो दोनों नेता कह रहे हैं इस बात को कि कटेंगे तो बटेंगे, हमेशा से कहावत रही है पुरानी, अब पुरानी कहावतें देखें, अगर एक परिवार के अंदर परिवार का मुखिया जब अपने बच्चों को शिक्षा देता है, नसीहत देता है, सीख देता है, वो सीख देता है अगर एक रहने की, तो उसके अंदर आपको ध्यान होगी वो कहानी जबकि लकड़ी के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के करके दिए गए परिवार के लोगों को दिए गए, तो उन्होंने तोड़ दिया, अपने बच्चों को बुजुर्ग ने दिए, और जब उन्हीं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की, छोटी छोटी काठियों की जब उन्होंने एक बंडल बना करके दिया तो वो तोड़ नहीं पाए। और इसका संदेश यही गया कि अगर आप बट कर के रहोगे तो फिर आपको कोई भी तोड़ देगा, और अगर आप संगठित रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तो फिर आपको कोई छेड़ नहीं पाएगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप इतना ही नहीं, अगर आप इससे आगे चलें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश था, सुशिक्षित बनो, संगठित रहो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान बनाया, अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इस बात को तो हमेशा, चाहे आप शिक्षाप्रद बातें में जाइए, चाहे आप पुराने जो संविधान निर्माता का संदेश, हालांकि तमाम आप संत महात्मा या जो शिक्षाविद या फिर जो सामाजिक क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हों, जब आप उनकी बात सुनेंगे तो उनके अंदर ये बातें हमेशा आया करती हैं कि संगठित रहने से समाज इकट्ठा रहता है, अगर संगठन क्षमता होगी, संगठन की ताकत होगी, तो फिर सामने कोई देख नहीं पाता। लेकिन क्योंकि चुनावी बयार है, चुनावी मौसम है, अगर
कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी का ये मैसेज था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो उसके जवाब में अगर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ये संदेश देते हैं कि एक रहने से सब सेफ रह सकते हैं, तो फिर इस सबको चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि विरोधाभास कहीं भी हो सकता है। अब ये विरोधाभास महाराष्ट्र के अंदर तो महायुति गठबंधन में भी है, जिस प्रकार अगर कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की बात को, प्रधानमंत्री जी की बात को, भाजपा के नेताओं की बात को अगर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा लोगों को एक तरह से खंडित करने वाला है, लोगों के बीच में अगर जो उनके बीच में आपसी भाईचारा जो रहा उसको ख़राब करने वाला है और धर्म की भावना को बिगाड़ने वाला है, यानी कि अगर उसको जोड़ के बताते हैं तो फिर अजीत पवार ने तो अलग बढ़ करके आगे कुछ और कह दिया। अजीत पवार ने तो कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का ये नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो सबका साथ और सबका विकास चलेगा। अगर आप देखें सबका साथ और सबका विकास, ये नारा भी शुरुआत जो देन है वो भारतीय जनता पार्टी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पीएम फेस हुए थे तो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उसके बाद में उसमें सबका विश्वास सबका प्रयास ये सब भी बढ़ते रहे। लेकिन चुनाव के अंदर जो बात भी कही जाती है उसको चुनावी मोड़ दिया जाता है, और इस समय महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में और बाकी अन्य राज्यों के चुनाव के अंदर जो योगी और मोदी का नारा है, कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसको लेकर के जिस प्रकार कांग्रेस और विपक्ष के लोग हमलावर हैं, उसके अपने अपने हिसाब से विवेचना कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जा रही है कि ये बात, ये नारे, ये वादे, ये मुद्दे, ये चुनाव के अंदर कितने प्रभावी रहेंगे। और हमारा भी आपसे ये सवाल है कि क्या चुनाव के अंदर चाहे वो योगी आदित्यनाथ का नारा कटेंगे तो बटेंगे और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कितने प्रभावी हो सकते हैं। क्या इस दोनों नारों के खिलाफ जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जो कह रहे हैं, क्या जनता पर वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपसे सवाल वही कि क्या महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन यानी कि महायुति या महाविकास आघाड़ी, कौन आगे रह सकता है। इसके साथ साथ सबसे प्रमुख बात आपसे एक दोस्तों को और पूछना चाहूँगा जरूर कि जो विधानसभा के उपचुनाव और झारखंड का चुनाव है वो भारत की, देश की राजनीति को अगला कितना प्रभावित करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।